नमस्कार और आप देख रहे हैं पल पल। हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड के तहत पढ़ने वाले प्रदेश में लाखों बच्चों के लिए अच्छी खबर है। शिक्षा बोर्ड ने वार्षिक परीक्षाओं में टॉप 10 रहने वाले बच्चों को दूसरे बच्चों के लिए प्रेरणा के तौर पर जिला स्तर पर सम्मानित करने तथा यादगार के तौर पर शिक्षा बोर्ड में उनके द्वारा एक एक पौधा लगाने की मुहिम शुरू की है। पहली बार सम्मान पाने वाले बच्चों ने शिक्षा बोर्ड सचिव द्वारा की गई इस मुहिम की सराहना की। पल पल भिवानी से अमन शर्मा की विशेष रिपोर्ट। इंसान कोई भी हो, किसी भी पद पर हो, कितने भी पैसे वाला हो, पर उसके जीवन में सबसे बड़ी अहमियत उसे मिले हुए सम्मान और यादगार के पल रखते हैं। ये सम्मान व यादगार पल उस समय और भी अहम हो जाते हैं जब दूसरों को प्रेरणा दें। इसी को ध्यान में रखते हुए हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड के सचिव राजीव प्रसाद ने बैंकों के KYC की तर्ज पर KYB की मुहिम शुरू की है। इस मुहिम के तहत मार्च 2019 की वार्षिक परीक्षा के संकायों में जिला भर में टॉप 10 में रहे बच्चों को सम्मानित कर उन्हें बोर्ड परिसर में एक एक पौधा लगवाया गया। इसके बाद बोर्ड की कार्यशैली को समझाने के लिए इन सभी बच्चों को बोर्ड चेयरमैन व सचिव कार्यालय के साथ अन्य कई कार्यालयों का भ्रमण भी करवाया गया। इसके अलावा वहाँ पर होने वाले कामकाज की जानकारी भी दी गई। आप देख रहे हैं पल पल की विशेष रिपोर्ट। ऐसे विद्यार्थी को बोर्ड में बुलाया जाए और बोर्ड की कार्य प्रणाली दिखाई जाए, ऐसा विचार करते हुए बोर्ड के सचिव श्री राजीव प्रसाद जी ने ये विचार रखा और ये सबको पसंद भी आया और प्रशंसनीय है ये, और इस प्रकार का उत्सव आगे भी रहना चाहिए। लेकिन मैं ये कहना चाहूँगा कि अपने इन विद्यार्थियों को और अभिभावकों को भी कि सबसे पहले हम अपने आप को पहचाने कि हम कौन हैं, क्योंकि अब तक तो हमें बताया गया कि हम तो 1200 साल गुलाम रहे, हम तो गुलाम देश के नागरिक हैं। नहीं है, पूरी दुनिया हमसे सीखने के लिए आती थी। भारत जगत गुरु था, सोने की चिड़िया था। यदि हम गुलाम थे तो फिर सोने की चिड़िया गुरु कैसे बने? तो ये अपने विद्यार्थियों को बताना पड़ेगा हमें कि हम निश्चित रूप से पूरी दुनिया में राजपाट चलाने के लिए राजा महाराजा अपने युवराजों को भारतवर्ष में शिक्षा लेने के लिए भेजते थे। वो शिक्षा लेके जाने के बाद वो अपने यहाँ राजपाट किस प्रकार चलाना है और जाकर के चलाते थे और वो सफल होते थे। इस कारण से ये जगतगुरु कहलाया, सोने की चिड़िया बना। ठीक है जी। मेरा नाम दीपिका है, मैं सर्वपल्ली राधाकृष्ण लैब स्कूल भिवानी में पढ़ती हूँ। मैं अभी मेरी मैट्रिक पास हुई है जिससे मेरा 96.4% आए हैं। आज इस प्रोग्राम के माध्यम से बहुत सारा मतलब प्रेरणा मिली बच्चों को, ताकि वो आगे और जाकर मोटिवेट हो सके, आगे कुछ बन सके। जी, मेरा नाम ईशा है, मैं सर्वपल्ली राधाकृष्ण लैब स्कूल की छात्रा हूँ। मैंने अभी मेरी मैट्रिक पास की है, उसमें मेरे 95.8% मार्क्स आए हैं, इसलिए हमें यहाँ पर सम्मानित किया गया है। हमें बहुत अच्छा लगा और ऐसे आयोजन होने चाहिए ताकि बच्चों को और भी आगे बढ़ने की प्रेरणा मिलती रहे। 2019 के परीक्षा परिणाम में जिन विद्यार्थियों ने प्रथम 10 स्थान भिवानी जिले में प्राप्त किए, उन सब विद्यार्थियों को कि अपना बोर्ड जाने, हमारा बोर्ड किस प्रकार का है, वो सब जानने के लिए आज बोर्ड में बुलाया गया था। उन सब बच्चों को सम्मानित किया गया और उन सब बच्चों के हाथों से एक एक पौधा लगाया गया ताकि उनको जिंदगी में याद रहे कि जिस बोर्ड से हमने 10वीं 12वीं परीक्षा पास की थी, उस बोर्ड में हमने एक पौधा भी लगाया था। तो क्योंकि पर्यावरण संरक्षण के लिए जरूरी है पौधारोपण किया जाए, तो इस कारण से उन विद्यार्थियों को आज यहाँ बुलाया और उनके उज्जवल भविष्य की कामना की। यानी विद्यार्थियों के भविष्य की भी कई बात आई है और जो है जीवन की भी बात आई। जीवन का आधार पौधों को माना जाता है, बच्चे पौधों के प्रति जो है कहीं न कहीं जागृत।